हम यहाँ पर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ आए हैं जिसमें दोनों ही एंगल्स जो है वो एक्स की फॉर्म में नहीं है। साइन के साथ आप देखिए 3x है और कॉस के साथ जो है वो 2x है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जिसका एंगल छोटा है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर रख लीजिए ताकि एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल जो है 3x पड़ा है, इसे हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। कॉस 2x इक्वल्स टू दिस विल बी माइनस साइन 3x। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके बारे में, तो दिस इज़ पाई, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ पाई बाई टू, दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 3π/2। आप इस ज़ीरो को 2π भी बोल सकते हो, ठीक है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कौन कौन किस में पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें सभी होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टैन पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, ओके। जो पाई बाई टू वाले टर्म्स होंगे, जब इनमें पाई बाई टू माइनस थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा आप लेते हो तो ट्रांजिशन होंगे, मतलब साइन की जो फॉर्म है वो कॉस में चेंज हो जाएगी और जो कॉस की फॉर्म है वो साइन में चेंज हो जाएगी। बट जो साइन, लेकिन जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे वो इन क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड होंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो उसमें साइन ही पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से आई शो यू हाउ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा है तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, अब ये दोनों ही पाई बाई टू की फॉर्म में है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस साइन में चेंज होगा, इधर साइन थीटा आएगा, ठीक है। बट ये पाई बाई टू माइनस थीटा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू माइनस में है, ठीक है। और पाई बाई टू प्लस थीटा है, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज हो गया है उसकी बात नहीं करेंगे, ये तो रिजल्ट है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव ही होता है ना, दैट्स वाई इट विल बी नेगेटिव। अब हम यहाँ से जो हमारी ये इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग साइन 3x, तो माइनस साइन 3x क्या हो जाएगा, कॉस 5/2 प्लस 3x, इसी फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस 5/2 प्लस 3x। अब हम इसे जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि 2π इनकी पीरियोडिसिटी होती है, मतलब ये ज़ीरो से एंगल शुरू हुआ फिर 2π के बाद में वही रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज्ड सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो 2x इक्वल्स टू आएगा 2nπ प्लस माइनस, इसे ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमारे लिए जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ से, दैट विल बी 2x इक्वल्स टू 2nπ प्लस पाई बाई टू प्लस 3x। अब ये 3x यहाँ पर आएगा तो माइनस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 2nπ प्लस पाई बाई टू, ये क्या होगा माइनस एक्स। अब वही बात मैंने आपको बोला था ना कि ये सॉल्यूशन को माइनस एक्स फॉर्म में नहीं छोड़ देना है, इस माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं माइनस से इधर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2nπ माइनस 5/2। अब इसे आपको फर्स्ट टर्म को नेगेटिव में नहीं छोड़ना है तो हम क्या लिख देंगे इसे 2nπ माइनस 5/2, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई कर देना है कि n क्या है यहाँ पर, वो माइनस n है, फिर आपका सॉल्यूशन कोई भी गलत नहीं बता सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 2nπ माइनस, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है,
2x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू, क्योंकि अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 3x इधर आएगा तो 3x प्लस 2x 2n पाई माइनस पाई बाई टू, यहाँ से आएगा 5x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू, एक्स इक्वल्स टू 2/5 एन पाई माइनस पाई बाई टेन। दिस इज द अनदर सोल्यूशन फॉर एक्स। ठीक है, तो एक्स के हमारे पास दो सोल्यूशन आगे, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। आई होप इट हेल्प्स। आप अगर किसी और तरह की इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।